नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल के एक तीर से दो निशानों की, दोषियों का समर्थन कर फंसे जयंत सिन्हा की, जानेंगे कि मानसून सत्र में सरकार पास होगी या फेल, क्या केवल उद्योगपतियों की है मोदी सरकार, और आखिर में बात थाईलैंड में सफल हुए मिशन रेस्क्यू की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषियों का स्वागत कर फंसे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोला हमला, माहौल को बिगाड़ रहे हैं मोदी के मंत्री। समलैंगिकता को अपराध के तहत लाने वाली धारा 377 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सुने तर्क, कल भी जारी रहेगी मामले पर सुनवाई। कांग्रेस नेता ने की जम्मू हवाई अड्डे के नाम को बदलकर महाराजा हरि सिंह करने की मांग, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह बोले मेरे पिता के समय हुआ था हवाई अड्डे का निर्माण। मुंबई में भारी बारिश से लोग परेशान, नाला सोपारा और विरार के बीच फंसी वडोदरा एक्सप्रेस, एनडीआरएफ ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। थाईलैंड की गुफा से बाहर निकाले गए सभी 13 लोग, पूरा हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू, पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे बच्चे और कोच। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए रक्षा और व्यापार समेत 11 अहम करार। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 305 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 94 अंकों की तेजी के साथ 10,900 के पार पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2019 लोकसभा चुनाव में बुद्धिजीवियों की चुप्पी जहां पीएम मोदी की कमजोरी बनी हुई है, तो वहीं राहुल गांधी ने इस कमजोरी को अपना हथियार बना लिया है। चुनाव में कांग्रेस को बुद्धिजीवियों का साथ मिले, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष बुधवार को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। इस संवाद के जरिए राहुल एक तीर से दो निशाने लगाने के फिराक में हैं। कांग्रेस पर हमेशा मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, इसीलिए 2014 में पार्टी ने इनसे दूरी बना ली थी, जिसकी कीमत उसे चुकानी भी पड़ी थी। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष इन्हें अपनी ताकत बनाने की तैयारी में हैं, इसीलिए वो बुधवार को मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस संवाद में प्रोफेसर, नामचीन डॉक्टर, एनजीओ कार्यकर्ताओं से लेकर फिल्म जगत के प्रमुख लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस चर्चा में करीब 20 लोगों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि गेस्ट लिस्ट को काफी सीक्रेट रखा जा रहा है, लेकिन संभावना है कि जावेद अख्तर और सैदा हमीद जैसी शख्सियत इस बैठक में होंगी, जिसमें राहुल गांधी मुस्लिम समाज की परेशानियों से रूबरू होंगे। बुद्धिजीवी वर्ग से राहुल गांधी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस संवाद के जरिए जहां वो मुस्लिम समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती रहेगी, तो वहीं मोदी सरकार से बुद्धिजीवियों की नाराजगी को भी अपना हथियार बनाने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि राहुल का ये तीर निशाने पर लगता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष रणनीतियों पर रणनीतियां बना रहे हैं, पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को बढ़ाना तो दूर, कैबिनेट मंत्री जयंत सिन्हा उसके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। जी हां, झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषियों का स्वागत करने के मामले में अब तक विपक्षी मोदी सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब पूर्व नौकरशाह भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। कैबिनेट मंत्री जयंत सिन्हा ने नहीं सोचा था कि दोषियों की आवभगत करना उन्हें इतना भारी पड़ेगा कि उनकी कुर्सी पर ही संकट आ जाएगा। विपक्ष के साथ साथ 42 पूर्व नौकरशाहों ने जयंत सिन्हा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त जूलियो रिबेरो, पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला समेत 42 अन्य पूर्व नौकरशाहों ने मॉब लिंचिंग के दोषियों का स्वागत करने को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोला है। पूर्व नौकरशाहों ने बयान जारी कर कहा कि सिन्हा के इस कदम से अल्पसंख्यकों की हत्या का लाइसेंस प्राप्त होने का संदेश जाता है। इससे आपराधिक मामलों के दोषियों की वित्तीय, कानूनी और राजनीतिक मदद को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व नौकरशाहों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलने के साथ ही जयंत सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग भी की। इससे पहले कांग्रेस भी इस्तीफे को लेकर हल्ला बोल चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार के मंत्री ही ऐसा काम करेंगे तो फिर बदमाशों के हौसले क्यों न बुलंद होंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जयंत सिन्हा ने मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट पीट कर हत्या करने के मामले के 11 दोषियों के जेल से बाहर आने पर स्वागत किया था। इस बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उनके पिता यशवंत सिन्हा तो ये भी कह चुके हैं कि मेरा बेटा नालायक हो गया है। वहीं अब पूर्व नौकरशाहों ने भी इस्तीफे की मांग कर दी है। इतने विरोध के बीच देखना होगा कि इस मामले में सरकार का क्या रुख रहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इस मुद्दे ने विपक्ष के तेवर और तल्ख कर दिए हैं, जो मॉनसून सत्र में सरकार पर भारी पड़ सकता है। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र को लेकर
पहले ही विपक्ष आक्रामक रूप में नजर आ रहा था कि अब मोदी सरकार की परेशानी और बढ़ सकती है। खैर, विपक्ष को शांत करने के लिए मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी पार्टियों को पत्र लिखा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी मानसून सत्र है। इसमें मोदी सरकार के सामने अटके हुए तीन तलाक समेत अन्य विधेयकों को पास कराने की बड़ी चुनौती है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाए तो विपक्ष के हाथ मोदी सरकार की एक और नाकामयाबी लग जाएगी। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि वो जैसे तैसे विपक्ष के साथ बिलों को पास कराकर इसे अपनी कामयाबी बनाए। इसीलिए 17 जुलाई को मानसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सभी सांसदों को पत्र लिखकर सहयोग की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा का 16वां कार्यकाल अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अब केवल 3 सत्र शेष रह गए हैं। समय सीमित है, लेकिन बहुत सारा जरूरी कार्य अब भी अधूरा है। वक्त केवल मानसून और शीतकालीन सत्र के दौरान ही उपलब्ध होता है, इसीलिए सभी सहयोग करें। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि सत्र सुचारू रूप से चले, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब मॉनसून सत्र में विपक्ष का गुस्सा शांत रहता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले सरकार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने में लगी है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के 6 उत्कृष्ट संस्थानों के नाम का ऐलान किया है। उसमें जियो इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि सरकार ने ऐसी संस्था को लिस्ट में शामिल किया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी इसी साल खबर आई थी कि रिलायंस फाउंडेशन को इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है, जिसे जियो इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। ये अभी चालू भी नहीं हुआ, न ही इसकी कोई तस्वीर सामने आई। गूगल पर भी इसकी जानकारी नहीं है। मंत्रालय के पास कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस इंस्टीट्यूट को देश के 6 उत्कृष्ट संस्थानों में जगह दी गई है। जियो को लिस्ट में शामिल किए जाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस इंस्टीट्यूट का अस्तित्व ही नहीं है, आखिर सरकार उसे कैसे लाभ दे सकती है? बाकी कॉलेजों को वंचित रख कैसे महज एक ऐलान पर 1,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा सकती है? क्या अंबानी परिवार को सरकार की सहायता की जरूरत है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने जिन शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट बताया है, वो सरकार की ही रैंकिंग में पीछे हैं। साल 2018 की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु पहले, IIT बॉम्बे तीसरे और IIT दिल्ली चौथे स्थान पर है। वहीं मणिपाल 18वें और बिट्स पिलानी 26वें स्थान पर है। जियो इंस्टीट्यूट तो NIRF 2018 का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उत्कृष्ट माना गया। सरकार के इस फैसले का जब विरोध शुरू हुआ तो मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के अनुसार इस संस्थान को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के अधीन शामिल किया गया है। यह एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें उन संस्थानों को शामिल किया जाता है जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं और जल्द ही बनने जा रहे हैं। सरकार भले ही सफाई दे रही है, लेकिन आरोप तो फिर तेज हो गए हैं कि मोदी सरकार जनता की नहीं उद्योगपतियों की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वाकई सरकार के कई फैसले ऐसे होते हैं जो हैरान करते हैं। अब जिस इंस्टीट्यूट का वजूद ही नहीं, जिसकी तस्वीर तक सामने नहीं, भला उसे कैसे 1,000 करोड़ रुपए दे दिए जा सकते हैं? इसके बाद तो आरोप लगने ही थे कि मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों की है। वैसे आज शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने भी हत्या का आरोप योगी सरकार पर लगाया है। मुन्ना की पत्नी ने कहा कि मेरे पति की हत्या साजिश के तहत की गई। वहीं बागपत जेल से जो खुलासा हुआ है वो भी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। बागपत की जेल में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन और शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या तब हुई जब रंगदारी के मामले में मुन्ना बजरंगी को कोर्ट में पेशी के लिए झांसी से बागपत लाया जा रहा था। इस हत्या का आरोप कुख्यात सुनील राठी पर लगा है। सुनील की मुन्ना से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मामूली कहासुनी में ही जेल में गैंगवॉर हो गया। आज पुलिस की पूछताछ में सुनील ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने कहा कि हम दोनों हाई सिक्योरिटी बैरक में बाहर बैठकर पहले बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान मुन्ना बजरंगी ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, झगड़ा इसी बात पर शुरू हो गया, तभी मैंने गोली मार दी। इसके साथ ही सुनील ने बड़ा दावा भी किया। उसने कहा कि पिस्टल मुन्ना के पास थी, उसने छीन कर मुन्ना को 10 गोलियां मार दी। वहीं जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस तो इसे गैंगवॉर ही बता रही है, लेकिन मुन्ना की पत्नी ने इसे रंजिश नहीं बल्कि साजिश करार दिया है। सीमा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत कई बड़े पुलिस वालों ने मेरे पति की हत्या की है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी सीएम योगी ने मेरे पति को सुरक्षा देने के बजाय उनकी जेल बदली, जहां इस हत्या को अंजाम दिया गया। मुन्ना की पत्नी ने हत्या के मामले की CBI जांच की मांग की है। वहीं जांच अधिकारियों ने भी आज बागपत जेल में तलाशी ली, जिसमें गटर के अंदर पिस्तौल बरामद हुई। साथ ही CCTV को भी खंगाला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कई दिनों से कैमरे ही खराब पड़े थे, जिसको ठीक भी नहीं कराया गया। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं
कि क्या यह वाकई किसी की साजिश है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब मुन्ना बजरंगी की हत्या साजिश के तहत हुई या कैसे हुई, ये तो पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। खैर, अब नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण कोरिया की दोस्ती पर। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई दशकों से मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 11 समझौतों से ये दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच गई है। भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन और पीएम मोदी के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों ने 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए उनमें समुद्री उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए बात करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही व्यापार संकट समाधान के करार में एंटी डंपिंग सब्सिडी और एक दूसरे के उत्पाद पर शुल्क सहयोग के लिए एक समिति का गठन करने पर भी दोनों सहमत हुए हैं। मीटिंग में भावी रणनीति समूह के गठन के करार पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, खासकर इंटरनेट, इलेक्ट्रिक वाहन, किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मिलकर काम करने पर सहमति कायम हुई है। इसी के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय शोध, रेलवे के विकास में सहयोग पर भी दोनों देशों ने करार किया है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज की हमारी बातचीत में हमने न सिर्फ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी खुलकर साझा किए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात जिंदगी की जंग जीतने वाले 13 लोगों की। पिछले 17 दिनों से थाईलैंड के प्रांत चियांगराई की गुफा में 12 बच्चे और उनके कोच जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आखिरकार आज उन्होंने वो जंग जीत ही ली। आज गुफा से सारे बच्चों को उनके कोच समेत बाहर निकाल लिया गया। अब फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कुछ समय पहले तक पानी से भरी अंधेरी खतरनाक गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बाहर निकालने की कश्मकश चल रही थी। कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन में 4 महीने भी लग सकते हैं। बारिश के मौसम में इन्हें बाहर निकालने की कठिन चुनौती सामने थी, लेकिन राहत और बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आज इस असंभव लग रहे काम को संभव कर दिखाया। गुफा में फंसे लोगों को बचाने का मिशन सफल रहा। 3 दिन तक चले इस अभियान में पहले और दूसरे दिन जहां 4-4 बच्चों को बचाया गया था, तो वहीं आज तीसरे दिन कोच समेत बाकी बच्चे भी बाहर निकाल लिए गए। आज गुफा से निकाले गए बच्चों का वहीं कैंप साइट के पास ही उपचार किया जा रहा है, जबकि इससे पहले बचाए गए अन्य बच्चे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच के बाद बताया कि उन सभी की हालत अच्छी है। आपको बता दें कि वाइल्ड बोर्स नाम की फुटबॉल टीम 23 जून को गुफा में फंस गई थी। ये लोग अभ्यास के बाद वहां गए थे और भारी बारिश की वजह से गुफा में काफी पानी भर जाने के बाद फंस गए। उन्हें निकालने के लिए न सिर्फ थाईलैंड की टीम काम कर रही थी, बल्कि अमेरिका समेत कई देशों की रेस्क्यू टीम भी लगी हुई थी। जिंदगी और मौत की जंग में आज आखिरकार जिंदगी जीत गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।